रोटरी क्लब मुरादाबाद ब्रास सिटी स्टार्स का अधिष्ठापन समारोह आयोजित हुआ। अनुभव रस्तोगी अध्यक्ष और विधुर गर्ग क्लब सचिव बने। कार्यक्रम का प्रारंभ भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से हुआ। इसके बाद क्लब अध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने सभा में उपस्थित अतिथियों का पुष्प देकर स्वागत किया। सोनूपाल ने रोटरी फोर वे टेस्ट की शपथ दिलवाई। निवर्तमान अध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए टीम को बधाई दी। निवर्तमान सचिव अनुज अग्रवाल ने 22 और 23 में क्लब के द्वारा किए गए कार्यों के संक्षिप्त विवरण देते हुए क्लब द्वारा चलाए जा रहे रेगुलर प्रोजेक्ट के बारे में बताया। वहीं डीजी अशोक गुप्ता ने क्लब अध्यक्ष रोटेरियन अनुभव रस्तोगी और सचिव विदुर गर्ग को कॉलर पहनाकर विधिवत चार्ज सौंपा। अध्यक्ष रोटेरियन अनुभव ने अपनी टीम का परिचय कराया। डीजी अशोक गुप्ता ने नई टीम को शपथ दिलाई। वहीं नई टीम में क्लब अध्यक्ष अनुभव रस्तोगी, उपाध्यक्ष अनुज अग्रवाल, सचिव विदुर गर्ग, कोषाध्यक्ष अक्षय जैन, क्लब ट्रेनर दिलीप रस्तोगी आदि ने शपथ ग्रहण की। अनुभव रस्तोगी ने आगामी वर्ष की अपनी क्लब की योजना पर जानकारी दी। वहीं सचिव विदुर गर्ग ने इस वर्ष क्लब द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। क्लब के सदस्यों को डीजी अशोक गुप्ता के हाथों पुरस्कार दिलवाया गया। और उनका साथ में जो अनुभव उनका साथ है, तो इस समस्त क्लब के आपके जो कार्य होंगे वो वास्तव में अभूतपूर्व होंगे। क्योंकि क्लब की जो जोड़ी बनती है अध्यक्ष सचिव की, वो कहीं ना कहीं मैच करती है नाम से, कार्य से या सोच विचार से। साथियों, रोटरी एक सामाजिक संस्था है जो पूरे वर्ष में समाज के काम करती रहती है। साथ में हम लोग अपने पारिवारिक कार्यक्रम भी करते हैं, एंजॉयमेंट भी करते हैं, फैमिली के लिए भी करते हैं, समाज के लिए भी निरंतर करते रहते हैं। इस वर्ष जो हमारे आरआई प्रेसिडेंट हैं, उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट है। उन्होंने जो नाम दिया है, नारा दिया है, क्रिएट हो, यानी कि संसार में आप उम्मीद जगाए। जो दो वर्ष पहले आपने देखा, उस कोरोना में अपने माँ बाप, भाई बहन या रिश्तेदार या दोस्त सभी ने लगभग आसपास के लोगों को खोए हैं। और वो सिर्फ बीमारी से नहीं गए, वो मेंटल टॉर्चर से गए, डिस्टर्बेंस से गए, नेगेटिविटी से गए। उनका यही कहना है कि आदमी की लाइफ में नेगेटिविटी खत्म होनी चाहिए, पॉजिटिवनेस आनी चाहिए। क्योंकि जब एक आदमी बीमार पड़ता है और उसको गंभीर बीमारी बाई चांस हो जाए, तो उस बीमारी से ज्यादा नहीं बनता, वो अपनी सोच से नेगेटिविटी उसको आ जाती है। और वो सोचता है कि मेरी बीमारी मेरे को क्यों हुई, मैंने ऐसा कौन सा गलत कर्म किया। कोई गलत कर्म नहीं करता, परंतु उस पुराने कर्म कहिए या उस खान पीन कहिए या आपका सिस्टम, बॉडी का सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता, इस कारण से वो बीमारी आपको लग जाती है। और सब बीमारी का ज़्यादातर 99% बीमारी ठीक होने लायक है। अगर हम नेगेटिविटी फील करेंगे, हमारे दिमाग में नेगेटिव बात आएगी कि अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, भाई का क्या होगा, ये सब सोचते रहते हैं लोग, तो बीमारी ज़्यादा असर करती है। अगर कोई भी बीमारी आपको नहीं है, आपके मन में बेचैनी है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सोचता है इसको बीमारी तो कुछ है नहीं, तो सादी गोली भी अगर आपको कह दे कि ये सुबह दोपहर शाम लेनी है, तीन दिन में तुम ठीक हो जाओ, अगर वो कोई भी दवाई नहीं दे रहा, केवल टैबलेट्स दे रहा, विटामिन भी दे रहा, तो वास्तव में आप तीन दिन में ठीक हो जाते, क्योंकि यहाँ से काम करता है। अगर आपके दिमाग में आ गया पॉजिटिवनेस कि हाँ मैं दवाई से ठीक हो रहा हूँ, तो सुबह से शाम में ही आप फील कर दो बैठे। और नेगेटिविटी आती है, अगर 10 दिन में बीमारी में डेथ होने वाली है तो 3 दिन में हो जाती है। कैंसर एक बहुत बड़ा इसका उदाहरण है। अगर डॉक्टर की गलती रिपोर्ट से आपको बता दिया कि आपको कैंसर की कल इसके अंदर है, या कैंसर के कुछ भी पार्ट आपको महसूस हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया, तो रिपोर्ट बाई चांस किसी और की फिर आपकी पढ़ दी इसने, तो आपको घर आते आते आप उसी की हालत में आ जाते हैं। हमें उससे बचना, बीमारी सबको होती है, तो उस परिवार का बाकी लोगों का ये काम है, इस परिवार के उस इंसान को सबसे हमें हमारी सबसे ज़्यादा जरूरत है।
उसको नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदलना है। उसके साथ समय ज़्यादा बिताइए, वो अकेला फील नहीं करता, अगर फील करता है तो उस बीमारी में ज़्यादा नेगेटिव सोच करके सोच करके बीमार पड़ता जाता है। हर तरह उसकी सेवा करिए, बिल्कुल ध्यान रखिए, तो देखिए वो आपकी पॉजिटिवनेस परिवार के साथ होने से उसको बीमारी शायद छोड़ के चली जाएगी। वहीं सभा में मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अशोक गुप्ता, विवेक गर्ग, सुनील अग्रवाल, राम बाबू, नीरज अग्रवाल और राजीव अग्रवाल, रोटेरियन अनुज अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, डॉक्टर गौरव कुमार आदि मौजूद रहे।